It's me Sayed Muhammad Asnada from mathhimath.com. Let's start with question number 3 of exercise number 1.5. The statement of the question is, the motorcycle covers 90 km in 2 liter of petrol. In how many liters of petrol will cover 225 km? यानी इसमें स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि एक मोटरसाइकिल है वो 2 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर जो है ना वो फासला तय करती है. तो 225 किलोमीटर फासला तय करने के लिए कितने लीटर्स फ्यूल की ज़रूरत होगी. अगर हम देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसके अंदर भी दो वेरिएबल्स हैं. एक आपके पास वेरिएबल जो है वो यानी डिस्टेंस है, दूसरा वेरिएबल जो है ना वो यानी लीटर्स हैं फ्यूल है. तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक्स लीटर पेट्रोल जो है ना वो रिक्वायर्ड है 225 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए. सो यहाँ दो जो है ना वो वेरिएबल्स हैं, ये जैसे कि एक डिस्टेंस है एक पेट्रोल है. तो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 लीटर पेट्रोल में वो कवर करती है. अब 225 किलोमीटर का डिस्टेंस x लीटर पेट्रोल में वो कवर करेगी. यानी हमने सपोज कर लिया कि x लीटर पेट्रोल है. इसे जिस वक्त हम प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो ये 90:225 प्रोपोर्शन 2:x. सो इसे डिवीजन के फॉर्म में जब लिखा तो 2/x इज इक्वल टू 90/225. अब यहाँ x क्योंकि इक्वल साइन की साइड पर डिवाइड हो रहा है यानी डिनोमिनेटर में, जिस वक्त इक्वल साइन की इस साइड पर जाएगा तो ये 90 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. यानी 90 × x इज इक्वल टू 2/225, क्योंकि 225 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब यहाँ पे x इज इक्वल टू x के साथ ये 90 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ये x से इस साइड पर आके ये डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 225 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 90. अब ये आ गया 450 डिवाइडेड बाई 90. ये जो है 0 से डिडक्ट हो जाएगा 9 और 45. ये तकरीबन 5 लीटर जो है ना वो फ्यूल की ज़रूरत होगी. इट इज़ इक्वल टू 5. सो 5 लीटर फ्यूल इज रिक्वायर्ड टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन एनी टाइम. थैंक यू वेरी मच.